क्या मामला बता दीजिए नेताजी, ऐसी बात बकरो आप। 10 तारीख को तोकी रजा जी ने ये कहा है कि हम नुपुर शर्मा केस में सड़कों पे आएंगे, और जिलाधिकारी महोदय ने 144 धारा लगा दी है, उसके बाद भी अभी किसी प्रकार का कोई उस तरफ से कोई संदेश नहीं है, और इससे पहले भी धारा 144 लगती रही है और उन्होंने कभी उसको माना नहीं। आशु अग्रवाल हूँ, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष। क्या मामला? मामला 10 तारीख का, जैसा कि सबको विदित है, राज्य में और पूरे केंद्र में भी सबको पता है कि बरेली में एक तौकीर रजा जी हैं जो अपने बयानों से बड़े मशहूर हो जाते हैं। अभी उन्होंने नुपुर शर्मा केस में ये कहा है कि 10 तारीख को हम अपनी संख्या सड़क पर दिखाएंगे, और उसको देखते हुए माहौल ना बिगड़े, अभी कानपुर में भी दंगे हुए हैं और माहौल ना बिगड़े उसके लिए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने धारा 144 लगाई है, लेकिन उनकी तैयारी बदस्तूर जारी है, कोई बयान उधर से आया नहीं है। तो सारे ही हमारे समाज के लोग भी परेशान हैं। नुपुर शर्मा केस से पक्ष उनका जो है वो जो चाह रहा है उसके विपरीत में हमारा पक्ष समर्थन में है उन बयानों के। आखिरकार बहुत सारी किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वही तो बात नुपुर शर्मा ने कही थी, तो इतनी थी कि भैंस में जहाँ उस बिटिया ने कोई बात कह दी तो वो सत्य है, और उसके खिलाफ़ अगर उसको हटा दिया जाता है तो इतना बहुत है। अब उसके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन होगा, लोग सड़क पर आएंगे, तो दूसरा पक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। हम आज प्रशासन को यही बात समझाने बताने आए हैं कि उसमें संज्ञान ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि चोर के लिए ताला ताला नहीं होता है, साहूकार के लिए ताला ताला होता है, उसी तरीके से धारा 144 भी शरीफ आदमी के लिए है, इस तरीके के लोगों के लिए नहीं है। धारा 144 का उल्लंघन करते रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले भी, और वही लोग अभी भी करेंगे, ये पूरी आशंका है। साथ साथ मुझे ये बताना है कि 9 तारीख को निर्जला एकादशी है, और उसके व्रत के बाद गंगा स्नान के बाद भारी भीड़ आती है, शहर में प्रवेश करती है लड़ियों से, डनलप से, और वो भीड़ के सम्मान में सब जगह 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 सबील लगती है, शरबत खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, और इस तरफ से भी भीड़ काफ़ी रहेगी सड़कों पर। तो किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को टालने के लिए प्रशासन को अभी ही तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है।